हे गाइस, मिस्टर मोबालिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शेष। तो आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स 5 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। तो जो फर्स्ट अपडेट जो हमें निकल के आई है वो है कि डेडपूल और वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवली डायरेक्ट कर सकते हैं एवेंजर्स 5 को। अभी मार्वल स्टूडियोज रिपोर्टेडली आई कर रहा है शॉन लेवली को कि वो डायरेक्ट कर रहे हैं एवेंजर्स 5 को। अभी के लिए फिलहाल ये रूमर है, ऑफिशियल नहीं है कि शॉन लेवली डायरेक्ट कर सकते हैं एवेंजर्स 5 को। वैसे वो करना चाहते हैं, अभी कौन डायरेक्ट करेगा एवेंजर्स 5 को वो वक्त में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो नेक्स्ट अपडेट है कि जर्मी रेनर जो कि हॉकाई का रोल प्ले करते हैं एमसीयू में, वो अब डेफिनेटली हमें दिखाई दे सकते हैं अपकमिंग एवेंजर्स मूवीज में, यानी कि एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो दोनों एवेंजर्स में जर्मी रेनर हॉकाई का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जो नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आए वो ये है कि एवेंजर्स 5 जो है फीचर करेगा 60 करेक्टर्स को, यानी कि स्पाइडरमैन, केट बिशप, डेयर डेविल, वॉन्ग, शांगची, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और मून नाइट। बहुत से करेक्टर्स हैं जो अब जिनका अपेयरेंस होने वाला है एवेंजर्स 5 में। तो ये जो मैंने करेक्टर्स आप लोगों को स्क्रीन में दिखाए थे वो अभी के लिए फिलहाल रूमर है। तो 60 एमसीयू करेक्टर्स का फीचर होने वाला है एवेंजर्स 5 में, मतलब 60 एमसीयू करेक्टर्स अपेयरेंस होंगे एवेंजर्स 5 में। और एवेंजर्स 5 का टाइटल क्या होने वाला है, क्योंकि कैंग डेनेसिटी तो हट चुका है जोनाथन मेजर्स के अरेस्ट होने के बाद, तो नया टाइटल हमें जल्द पता चल जाएगा एवेंजर्स 5 का, तो डोंट वरी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, तो सुन के आप लोगों को खुशी होगी। तो जो नेक्स्ट अपडेट निकल के वो ये है, जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी कि हमारे आयरन मैन से पूछा गया कि वो इन फ्यूचर में आयरन मैन का रोल प्ले करेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा इट्स सरप्राइजिंगली ओपन माइंडेड आइडिया फॉर द करेक्टर, इट दिस करेक्टर इज इन माय डीएनए, उन्होंने इंटरव्यू में ये बोला। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है आयरन मैन का रोल प्ले कर सकते हैं एवेंजर्स 5 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया है कि आरडीजे सर हमें दिखाई दे सकते हैं एवेंजर्स 5 में। तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं कह सकता, बल ये भी एक तरह का रूमर है। और कुछ पता चलेगा एवेंजर्स 5 के बारे में तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। अगर आप मेरे चैनल में हो तो मेरे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करो। टिल देन मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब